फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2018 विजेताओं की कंप्लीट लिस्ट जो है वो करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पुरस्कार है वो किन्होंने जीते हैं, किस देश से वो संबंधित है और किस क्षेत्र के लिए जो है वो इनको मिला है। और इसके साथ में ही जो है वो नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग कब से हुई थी, तो उसके बारे में जो कम्प्लीट मैंने इसमें वीडियो के अंदर कवर किया है। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप धायल एजुकेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कि ये किसे दिया गया है, तो जेम्स पी एलिसन और तुशुको होंजो को जो है वो ये पुरस्कार दिया है चिकित्सा का। तो चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जेम्स पी एलिसन और तुशुक होंजो को संयुक्त रूप से 2018 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया गया है। तो एलिसन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में प्रोफेसर है और होंजो जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो दोनों वैज्ञानिकों ने जो है वो संयुक्त रूप से कैंसर के इलाज में मददगार एक थेरेपी विकसित की है और ये थेरेपी कैंसर रोगियों के इलाज के लिए काफ़ी मददगार है और इसीलिए जो है ना ये पुरस्कार दिया गया है। तो इससे पहले जो है इन दोनों ने 2014 में एशिया का नोबेल कहे जाने वाले टैंग प्राइज को भी इन्होंने जीता है। तो नोबेल जीतने के लिए जो है इन दोनों को स्वीडन के कारोल लिंस्का इंस्टीट्यूट की तरफ से 90 लाख क्रोनर यानी कि करीब 7,35,00,000 रुपए जो इनाम के रूप में दिए जाएंगे। दूसरा दोस्तों, भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो यह दिया गया है ऑर्थर एस्किन और जेरार्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड को, यानी इन तीनों को तो जो है वो संयुक्त रूप से दिया गया है। तो अमेरिका के डॉक्टर हैं ऑर्थर एस्किन, फ्रांस के डॉक्टर हैं जेरार्ड मोरो और कनाडा के डॉक्टर है डोना स्ट्रिकलैंड। तो इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो एस्किन को जो है वो ऑप्टिकल ट्विजर्स पर रिसर्च के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इसके साथ ही मोरो और स्ट्रिकलैंड को यह अवार्ड सबसे छोटी और तीव्र लेजर तरंगों की खोज के लिए मिला है। तो ऑर्थर एस्किन को जो है वो रिकॉर्ड 96 की उम्र में पुरस्कार मिला है। तो ये जो है वो सबसे उम्रदराज हैं जिनको ये अवार्ड मिला है नोबेल का। तो उनसे पहले जो है 2007 में 89 साल की उम्र में हरविज सबसे उम्रदराज नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे। तो अब जो है वो ऑर्थर एस्किन है। तो कनाडा की ओंटोरियो यूनिवर्सिटी में रिसर्चर स्ट्रिकलैंड जो है वो 55 साल बाद फिजिक्स में नोबेल पाने वाली तीसरी महिला बनी है। तो जो फिजिक्स यानी कि भौतिक के अंदर जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो महिला थी मेरी क्यूरी। तो मेरी क्यूरी को जो वो 1903 में भौतिक के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि वो पहली महिला थी भौतिक का पुरस्कार जीतने वाली। तो इस पुरस्कार के विजेता का चयन जो है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस करती है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, तो ये दिया गया दोस्तों फ्रांसिस अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और ग्रेगरी पी विंटर को। तो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं फ्रांसिस अर्नोल्ड, जॉर्ज स्मिथ, ये दोनों अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और ब्रिटिश शोधकर्ता हैं ग्रेगरी विंटर। तो इनको संयुक्त रूप से जो है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो उन्हें जो है क्रम विकास के सिद्धांतों का उपयोग कर ऐसे प्रोटीन एंजाइम विकसित करने के लिए नोबेल मिला है जिनकी मदद से जैव ईंधन का निर्माण संभव है। तो इस पुरस्कार के विजेता का चयन रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस करती है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, तो इस बार अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है विलियम नॉर्थस और पॉल रोमर को। तो विलियम नॉर्थस जो वो येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और पॉल रोमर जो है ये न्यूयॉर्क के स्टर्न बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं। तो पॉल रोमर वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। तो इस पुरस्कार के विजेता का चयन भी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस करती है। नेक्स्ट शांति का नोबेल पुरस्कार, तो ये दिया गया है डेनिस मुकवेज और नादिया मुराद को। तो डेनिस मुकवेज जो है ये कांगो के रहने वाले हैं और नादिया मुराद इराक के रहने वाली है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो युद्ध के दौरान होने वाले यौन हिंसा के रोकथाम के प्रयास के लिए
डेनिस और नादिया को जो वो इस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये नोर्वेजे नॉर्वेजियन कमेटी जो है इसका ऐलान करती है। नेक्स्ट है दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो इस बार जो है वो मीटू विवाद के चलते साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो पिछले 70 साल में जो है वो पहली बार ऐसा है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो साहित्य नोबेल जो विजेता का चुनाव है वो स्वीडिश एकेडमी करती है। तो इस बार स्वीडिश एकेडमी की ज्यूरी मेंबर कैटरीना फ्रोस्टेंसन के पति जॉन क्लाड अर्नाल्ड पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और इसी कारण जो है वो 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के नाम पर जो है वो कोई भी चयन नहीं किया गया है। तो इसमें दोस्तों नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। तो ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो कुल 6 फील्ड्स के अंदर दिए जाते हैं जो कि हैं चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है वो नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम के स्वीडन में हुआ था। तो ये जो पुरस्कार जो है ये स्टॉकहोम में 10 दिसंबर को आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो भी इनके नामों की घोषणा हुई है 10 दिसंबर को जो समारोह होगा उसके अंदर इनको जो है वो पुरस्कार वितरित किए जाएंगे क्योंकि 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था और उसी के कारण जो है ये पुरस्कार उसमें दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत जो है वो 1901 ईस्वी में हुई थी। तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो 1901 में दिया गया था। तो पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वो मेरी क्यूरी थी। इन्होंने जो है वो 1903 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो जीता था। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो वो 1969 में दिया गया था। तो 1969 से पहले जो है वो 5 क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। उसके बाद में जो है वो अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार 1969 में जो है वो पहली बार दिया गया था। तो इसमें जो है इनाम के तहत 90 लाख स्वीडिश क्रोनर यानी कि करीब 7 करोड़ 35 लाख रुपए जो वो दिए जाते हैं और हर विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और एक मॉनेटरी अवार्ड भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे इसी तरह आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और इससे पहले जो मैंने एशियाई गेम्स के वीडियो बना रखे हैं और जो भी पुरस्कार वितरण समारोह हुआ था खेल जगत के तो उससे रिलेटेड भी जो है मैंने वीडियो बनाया है तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।